नमस्कार, मैं जिग्नेश, ऑल्ट न्यूज से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी रैलियों में अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पहली तस्वीर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक मंच पर देखे गए हैं और दूसरी तस्वीर में कुछ खाली कुर्सियां बताई गई हैं। दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता कृष्ण मोहन शर्मा ने यह दावा किया कि वाराणसी में योगी और शाह की रैली में फूड पैकेट देने के बावजूद भीड़ नहीं उमटी। इसी दावे को आपकी विधायक अलका लांबा ने भी रीट्वीट किया था। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य प्रीति चौबे ने भी इन्हीं तस्वीरों को साझा करते हुए एक मिलता जुलता दावा किया था। हालांकि इस तस्वीर का एक गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर यह पता चलता है कि यह तस्वीर 2018 की है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के युवा उपदोष कार्यक्रम के लिए वाराणसी में एक मंच पर एकत्रित हुए थे। अमर उजाला द्वारा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक खाली कुर्सियों को देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि प्रशासन और पुलिस भी चिंतित दिखे थे। कुछ दिन पहले एक फेसबुक पेज फेकू एक्सप्रेस ने एक तस्वीर को साझा करते हुए ये लिखा, मिलिए एनआईए जज रविंद्र रेड्डी से, जिन्होंने मक्का मस्जिद के विस्फोट केस में शामिल और आरएसएस के नेता स्वामी असीमानंद को बरी किया था। इसी समान दावे के साथ मैंगलोर वॉइस नाम के एक फेसबुक पेज ने भी पोस्ट किया था। इतना ही नहीं, कई पत्रकारों ने भी इस पोस्ट को ट्वीट किया था। तस्वीर में एक व्यक्ति के साथ अमित शाह भी नजर आ रहे, जिससे इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि एनआईए के जज रविंद्र रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। जब हमने इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमारी पड़ताल में कुछ और ही बात सामने आई। तस्वीर में देखे जा रहे व्यक्ति एनआईए जज रविंद्र रेड्डी नहीं बल्कि पूर्व कांग्रेस नेता रामदयाल है। अक्टूबर 2018 में वे भाजपा में शामिल हुए थे और ये तस्वीर उसी से संबंधित है। और एक सच्चाई हमारे सामने ये भी आई कि पूर्व एनआईए जज रविंद्र रेड्डी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय पर तेलंगाना जन समिति पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसी कोई भी तस्वीर, वीडियो या खबरों को बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। ऐसी खबरों की सच्चाई जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।